सही तो कहा राजेश ने, क्या गलत सवाल किया? बड़ा बेटा है, उसे तेरी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? और ये छोटी रकम थोड़ी है, आसानी से अगर माँ रुपयों का इंतजाम आसानी से हो रहा है। तू मुझसे झूठ मत बोल। अगर आसानी से रुपयों का इंतजाम होने वाला होता तो तूने पहले ही कर लिया होता। तू खामोश क्यों बैठा है? बेटों की परेशानी तुझसे देखी नहीं जाती, उसके आंसू तुझसे नहीं देखे जाते। मुझे मालूम है तेरे दिमाग में कुछ उलझन चल रही है। तू बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, मुझसे बता कहां से करेगा रुपयों का इंतजाम? क्या ये बताना जरूरी है? तुझे बताना ही होगा। मैं तुझे कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। अगर नहीं बताया तो मैं राजेश से कह दूंगी, ना वो तुझसे रुपए लेगा और ना ही बिजनेस करेगा। ठीक है माँ, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन भगवान के खातिर घर में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन रुपयों का इंतजाम कैसे हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उन्हें पता चल गया तो कोई इस बात के लिए राजी नहीं होगा। मेरे बेटे आपस में लड़ते जरूर हैं, लेकिन वो घर को टूटता हुआ नहीं देख सकते। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? माम, मैं इस घर को गिरवी रख रहा हूं। गिरवी रख रहे हो? ये छत भी तो हमसे छीन लेगा। अब बचा ही क्या है हमारे पास इस घर के अलावा? ये घर और थोड़ा सा रुपया, तू क्या सबको फुटपाथ पे रखेगा? मैं घर बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रख रहा हूं। राजेश का बिजनेस चल निकलेगा तो वापस ले लेंगे। एक बात बताओ बेटे, राजेश तुझसे रुपया ले लेगा और कल को अगर बिजनेस नहीं चला तो हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। फिर दुनिया कहेगी विशंबर नाथ दीवान ने बेटे के लिए घर को गंवा दिया, या बेटों को फुटपाथ पे लेके आए। उस वक्त कोई ये नहीं देखेगा कि बाप के दिल में जज्बात क्या थे, वो क्या चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मां तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने सब कुछ तय कर लिया है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। जगमोहन से मेरी बात हो चुकी है और वो बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत कम परसेंटेज पर मुझे रुपए दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है माँ कि हमारा घर कहीं नहीं जाएगा। और माँ ये घर तो अपना ही है ना, अपनी ही चीज अपनों के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? माँ मैंने बहुत परेशानियां देख ली, अब बच्चों की परेशानियां मुझसे ज्यादा नहीं देखी जाती। कल मैं जगमोहन सेठ से फाइनल बात करने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, माँ भगवान के लिए मुझे मत रोको। तुम जानती हो माँ, तुमने जब जब भी मुझे रोका है मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन इस बार मना मत करना माँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मेरी हिम्मत को मत तोड़ो माँ। अरे ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, घर चला जाएगा ना, और ये घर सिर्फ 50 लाख का थोड़ी ही है, छोटा छोटा घर लेकर वो लोग रह सकते हैं ना। ठीक है, तू जो चाहेगा सो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बिजनेस के बारे में तू ज्यादा जानता है।